आप चाहो तो केवल चेन्नई में रहना, मुझे ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। प्यारी समझ गई। मेरे चार बॉयफ्रेंड हैं। यार ठीक से पैदा तो हुई नहीं, तुम चार बॉयफ्रेंड बना ली, इतनी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। नो 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 नो। एक्सक्यूज मी, मैं इधर बैठ जाऊं? बैठ जाइए। बड़ी गर्म हो रही यार, आज थक गए। क्या कर रहे हो आप? आपसे मतलब? नहीं बस ऐसे ही फ्रेंडली पूछ रहा हूँ। मैं अकेले बैठे हो ना आप? नहीं मैं किसी का वेट कर रही हूँ। किसका वेट कर रहे हो? तो यार मैं आ तो गया। आप हैं कौन? आप जिसका वेट कर रहे हो मैं वही हूँ। अरे मैं नहीं आपको। अरे अभी हम लोग जान जाएंगे ना एक दूसरे को। नहीं जान पाए। अच्छा जान लो ना मेरे को। आप क्या करूंगी मैं जान के आपको? हो सकता है मैं बॉयफ्रेंड बन जाऊं आपका। क्यों बनेंगे आप मेरे बॉयफ्रेंड? आप वेट कर रहे हो। जब मैं बनाऊंगी तब तो बनेंगे। यार आप वेट कर रहे हो, ऐसे अच्छे दिल खूबसूरत सी लड़की किसी का वेट करे? खूबसूरत चीज पे पता सबकी नजर रहती है। नजर ही रहती है ना, मिल थोड़े जाती है। आप नाराज ना हो। देखो एक्चुअली बात यह है ना कि मैं बिहार के एक गाँव से आया हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, मिल सकती है? क्या हेल्प चाहिए? मेरी मम्मी ने बोला एक गांव की बहू ढूंढ के लाना, तो मुझे इतनी बड़े शहर में एक आप ही गांव की दिख रही है। आपको मैं गांव की दिख रही हूँ? यार देखो ना आप गांव की लड़की लग रहे हो एकदम। मैं गांव से हुई नहीं। यार मेरी मम्मी ने बोला था गांव की लड़की ढूंढ के। तो गांव की लड़की ढूंढो ना, मैं तो गांव की नहीं हूँ। तो मुझे इतने बड़े शहर में सिर्फ आप ही मिली ना। मैं गांव की हूँ नहीं, तो मैं कैसे आपको? मैंने बोला ना गांव की। अभी सुनो, सुनो वहाँ पे चार लोग खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा भाई इधर आसपास कोई गांव की लड़की दिख रही हो तो मुझे बता दो। किसने बोला? अरे उधर खड़े हुए थे, अभी चले गए वो लोग। अभी देखो मैं कहाँ से लग रही हूँ आपको? गांव से? अरे देखो ऊपर से नीचे तक आप गांव की लग रहे हो। कैसे लग रही हूँ तो जानना है। आप किसी से भी पूछ लो जाके। किसको पूछूं मैं, कोई दिख नहीं रहा है। मैं हूँ ना, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। आप तो गलत बता रहे हो ना। प्लीज जी नहीं, मैं गाँव से हूँ। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चला जाऊंगा। सच सच बताओगे आप? बोलिए आप कौन से गाँव से? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? मेरी मम्मी ने कहा है शहर जाओ और शहर से सुशील संस्कारी सुंदर बहू बना के लेके आओ। मैं आपको कहाँ से संस्कारी सुशील लड़की दिख रही हूँ? यार देखो ना आप संस्कारी भी हो सुशील भी हो, सुंदर तो खैर नहीं है, चल जाएगा फिर भी। सुंदर नहीं हूँ। नहीं मतलब हो आप मेरी नजर में हो, ठीक है। नहीं आपकी नजर का क्या मतलब है, किसी से पूछ लो। हाँ यार मैं पूछ के आया ना। मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं आप सुंदर हो। फिर बोला कैसे? अच्छा आप बताओ किसी लड़की के मुँह पे कोई सच बोलता है? नहीं ना। मतलब क्या है आपके? मतलब आप सुंदर हो ये चीज सच है, तो मैं नहीं बोल सकता। चलो ना यार मेरे से शादी कर लो, आप मम्मी की बहू बन जाओ। शादी कर लो, जानती तक नहीं हूँ। अच्छा आप बताओ, ऐसे आप बैठे हो ठीक है, इतना देर से मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ एक छोटी सी शादी के लिए। छोटी सी शादी होती है? हाँ मतलब शादी छोटी सी चीज है। मतलब हम लोग 5 मिनट की शादी कर लेंगे ना बस। 5 मिनट की शादी कौन सी शादी होती है? अरे एक माचिस जला के साथ तेरे ले लेंगे। ये कौन सा शादी? चलो चलो 5 ले लेंगे अगर आप थक जाओगे। नहीं सात फेरे होते हैं शादी के। नहीं आप अगर थक जाओगे तो आप गोदी उठा के 5 ले लेंगे बस। नहीं नहीं सात ही होते हैं। सात आप फेरे लोगे? हाँ मैं सात ही फेरे लूंगी। मतलब आप एग्री हो गए? आपको पता है गांव में लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, संस्कारी होती हैं, चुन्नी ओढ़ के रहती हैं सिर्फ। चुन्नी तभी तो संस्कारी होती है। अरे मतलब कपड़े ही पहनती है, ऐसा नहीं है। मतलब कपड़ों के ऊपर चुन्नी ओढ़ती है। आप चाहो तो केवल चुन्नी में रहना, मुझे ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। प्यारी समझ गई। मेरे चार बॉयफ्रेंड हैं। क्या? हाँ यार ठीक से पैदा तो हुई नहीं, बॉयफ्रेंड बना ली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। जितना तुम्हारे चार बॉयफ्रेंड मिलके करते हैं ना, मैं अकेले नहीं कर पाओगे तुम। क्या बात कर रही हो? चारों अलग अलग चीजें करते हैं। क्या करते हैं चारों बताओ जरा? ऐसा एक शॉपिंग कराता है, और दूसरा एक खाने के लिए पूरा अरेंजमेंट करता है, तीसरा रिचार्ज कराता है, चौथा घूमने का पूरा देख। ठीक है जो इन चारों ने नहीं किया ना वो मैं करूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ये भी है ना। देखो यार ये जो तुम्हारे चार बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे 10 बताया तुमने, कितने बताया? बताया चार बताया ना। हाँ ठीक है मैं ज्यादा बोल दिया, इतनी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। मतलब ये जिन जो भी इन चार फ्रेंड नहीं किया ना वो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। ऐसे आप क्या करेंगे? ऐसा बहुत कुछ है अभी। नहीं उन चारों ने मेरे बहुत कुछ किया है, ऐसा आप क्या करेंगे कि मैं उन चारों को छोड़ूं? देखो शॉपिंग कराना, खाना खिलाना, ये सब चीजें अलग होती है, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं यार जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कंपलसरी होती हैं, बेसिक होती नहीं, इससे ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है।
बताइए क्या है इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए तुम्हें चलना पड़ेगा ना मेरे साथ। हाँ? नहीं आप ये बता दो ना, यहाँ नहीं बता सकते यार, पब्लिक प्लेस देखो सब आते जाते हैं, अच्छा ही लगता है। अरे यहाँ पे हम बताए ना तो कभी दो चार लड़के और आ जाएंगे, वो कहेंगे मैं भी समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अच्छा सुनो मेरी बात, मान जाओ यार, ठीक है शादी कर लो फिर हम बताएंगे। देखो शादी के बाद होता है सब चीज ना, पहले नहीं होती। आपके पास है क्या करती? मेरे पास तुम और मेरी माँ है। और क्या चाहिए तुमको? गाड़ी, घर, ये सारी चीजें भी तो कंपलसरी होती हैं। अरे गाड़ी का यार मैं तो मान लूंगा, तो मेरे पर बैठना, मैं सवारी कराऊंगा तुमको। और क्या? नहीं नहीं ये चीजें सिंपल थोड़े हैं। देखो अच्छा मेरे घर में ना गांव में क्या क्या है यार? मेरे पास 10 वो है, 4 पैर वाली, नहीं जिसके 4 मतलब होते हैं, बैल नहीं, बैल नहीं यार, जो दूध देती है। गाय? हाँ हाँ गाय, गाय 4 पैर वाली गाय है मेरे पास 10। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? घर रहने के लिए, पता है मतलब जितना बड़ा ये पूरा एरिया है ना, इससे बड़ी जगह है मेरे पास। जगह है, रहेंगे कहाँ? नहीं भाई छोटी सी एक मड़ी है ना, उसी में रहेंगे हम लोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारे चार पांच ने जो नहीं किया वो मैं करूंगा। हाँ तो उसी मड़िया के अंदर हम लोग करेंगे ना। प्यारी समझ गई। देखो मेरे पास इतना प्यारा दिल है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। और बताओ दो क्या देना? अरे यार तुम्हारे पास मुझसे बड़े बड़े दिल है। कहाँ बड़े दिल? आपने देखा है? देखा है, तभी तुम्हें वहां से आया ना इतना दूर। प्यारी समझ गई। देखा मेरी मम्मी इंतजार कर रही होंगी, अच्छा ही लग रहा है मुझे, चलना पड़ेगा तुमको, जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। चलो फिर मेरे साथ चलो। हाँ सही में? सच में चलिए। चल रही हो? हाँ। सच में? हाँ। ओ यार यार ये कितनी औसम है यार। देखो मैं तुमको लेके चल रहा हूँ, मैं कैसे मान लू कि तुम मतलब मुझसे शादी करोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं धोखा दे के भाग गई तो? नहीं मैं धोखा नहीं दूंगी। मैं कैसे मान लू, मुझे कुछ मतलब जैसे अभी मैं तुमसे इतनी देर से बातें किया, तुम्हें कन्विंस किया, तो तुम मुझे ऐसा कुछ प्रूफ दो ना कि मेरे साथ ही चलोगी। नो 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 नो। हाँ अभी ठीक है, अब यकीन कर सकता हूँ तुम पे। फिलहाल तुम्हारी लिपस्टिक छूट गई, सही में छूट गई यहाँ पे देखो। चलो अच्छा चले हम लोग, पक्का? हाँ। फिर साथ रहेंगे ना हमेशा। हाँ। चलो आप मोबाइल तो ले लो पर्स में, या दान देके जाओगी? आओ चले। हाँ। सही चलिए चलो चलो बैक लो। अरे यार क्या हुआ? इधर इधर मेरे से कुछ छूट गया, मेरा सामान छूट गया। क्या छूट गया? आओ तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा यार देखो तुम, मुझे ना तुमसे एक बात और कहनी थी। हाँ बताइए। देखो अब मतलब मुझे फ्यूचर में कभी छोड़ तो पाओगे नहीं, नहीं। है ना? हाँ। शादी पक्की हम लोग की। हाँ ऑब्वियसली। तो एक बात और बताओ मैं तुमको। हाँ बताइए। गुस्सा हुई तो नहीं? नहीं देखो एक्चुअली वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं शूट कर रहा था ये वीडियो। ठीक है मैं एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था तुम्हारे साथ, हाय कर देना। चलें अब चलते। तो शादी का क्या करें? वो तो कैंसिल। कैंसिल क्यों यार, अभी तो मान गई थी तुम। चलो चलो मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है जा रहे, बाय बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना।